आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस शुरू करने के टिप्स। यूं तो जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस प्लान, लोकेशन, निवेश, प्रॉफिट आदि के बारे में सोचते ही हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इतना सब कुछ प्लान करने के बाद भी कुछ बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं? आज इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम बिजनेस शुरू करने से पहले नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए जानते हैं एक स्टार्टअप या नया बिजनेस शुरू करने के लिए किन किन बातों पर गहन चिंतन करना आवश्यक है। सेलेबल आइडिया वर्सेस पैशनेट आइडिया। बिजनेस आइडिया, बड़ा बिजनेस करने के लिए पैशनेट आइडिया की जगह सेलेबल आइडिया की वैल्यू सबसे अधिक है। आप किसी चीज में चाहे जितने एक्सपर्ट हों, लेकिन यदि आपका आइडिया सेलेबल नहीं है तो आप एक बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते। याद रखें, आपका बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस में ट्रांसलेट हो सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके, प्रमोटर्स की इनकम को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ा सके, स्टेक होल्डर्स को रईस बना सके, छोटी सी शुरुआत से एक साम्राज्य में बदल सके। इसके लिए जब भी आप बिजनेस शुरू करने की सोचें तो ये जानने की कोशिश करें कि आपका बिजनेस आइडिया कितना स्पेशल है, कितना प्रॉफिटेबल है। अपने बिजनेस आइडिया को जांचें। यदि आप अपना स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं या शुरू कर चुके हैं और फंडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जांचें कि आपका आइडिया सेलेबल है या पैशनेट। यदि आपका आइडिया सेलेबल है तो हर कोई आपके साथ जुड़ना चाहेगा, और यदि आपका आइडिया पैशनेट है तो आपको बिजनेस बनाने में बहुत समस्या आएगी। तो सबसे पहले आपका आइडिया सेलेबल आइडिया यानी कि बिकने के लायक होना चाहिए। इनोवेटिव आइडिया वर्सेस प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। इनोवेशन के नाम पर बहुत से बिजनेस खुल जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो फेल हो जाते हैं। याद रखें, आपका इनोवेशन किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलता हो, किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। यदि आपके बिजनेस इनोवेशन में ये दोनों बातें सॉल्व करने की क्षमता है तो आपका इनोवेटिव बिजनेस आइडिया चल सकता है। इनोवेटिव आइडिया एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया मेजरमेंट्स। याद रखें, इनोवेटिव आइडिया उसे ही बोल सकते हैं जो लोगों की समस्याओं को दूर कर सके, स्मार्ट वर्क करने में मदद कर सके, कम से कम मेहनत करने में मदद कर सके, कम से कम खर्च होने में मदद हो सके, लाइफ को और बिजनेस को स्मूथ बना सके। हालांकि बहुत से लोग इनोवेटिव आइडिया के नाम पर बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं, असल में वो बिजनेस ज्यादा लंबा चलने लायक होता नहीं है, इसलिए भी बहुत से बिजनेस फेल हो जाते हैं। स्मॉल मार्केट आइडिया वर्सेस बिग मार्केट आइडिया। अगर आप स्मॉल मार्केट आइडिया वाला बिजनेस शुरू करते हैं तो वो बेहद लिमिटेड लोगों तक ही सीमित है और कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगा। यदि खत्म ना हो तो भी स्मॉल मार्केट आइडिया अधिक लाभ नहीं दे सकता। ऐसे में जब भी बिजनेस शुरू करें तो बिग मार्केट को ध्यान में रखकर शुरू करें। आइडिया ऐसा होना चाहिए जो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आइडिया जियोग्राफी बैरियर, लैंग्वेज बैरियर वाला ना हो। बड़ा आइडिया उसे ही बोल सकते हैं जो किसी राज्य, शहर, भाषा, संस्कृति आदि से बंधा ना हो, वो सबकी प्रॉब्लम को समझने वाला और सॉल्व करने वाला हो। वन आइडिया और मल्टीपल आइडिया। अब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कई आइडिया आपके दिमाग में होते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले किस पर काम किया जाए। आपको अपनी आइडिया से जुड़े सभी पैरामीटर्स को समझना है और फिर आइडिया चुनना है। बाकी के आइडिया को अपने दिमाग से डिलीट कर दें, एक आइडिया पर पूरा फोकस करें और उसे सेलेबल बनाएं। सोलो फाउंडर और को फाउंडर आइडिया। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये समझ लें कि क्या आप अकेले सवारी करना चाहेंगे या फिर किसी को लेकर साथ में सवारी करना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि मेरा आइडिया है, मैं क्यों किसी को इक्विटी दूं, सारा प्रॉफिट या शेयर्स मैं अकेले रखूं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें एक से अधिक लोग जुड़कर बिजनेस बना रहे हैं। इसका कारण ये है कि एक विचार से अच्छा है कई विचार को एक करना और उन विचारों से कुछ बनाना। तो आज आपने जाना कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको किन किन पहलुओं पर चिंतन करना है जिससे भविष्य में आपका बिजनेस फेल ना हो। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।